आगे बढ़ेंगे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि रिटायरमेंट में 3 महीने का समय बचा हो तो कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक को लेकर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। देवनानी ने कहा था कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। देवनानी ने कहा कि पक्षपातपूर्ण और अन्यायिक निर्णय होने की आशंका के चलते कुलपति को कार्यकाल के अंतिम 3 महीनों में नीतिगत निर्णय लेने और नियुक्तियां करने से बचना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय में स्वच्छ परंपराओं को ताक में रखकर धड़ल्ले से नियम विरुद्ध भर्ती करने को आमदा है, जिस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है। गत कई सालों की परंपरा रही है कि पक्षपातपूर्ण और अन्यायिक निर्णय होने की आशंका के चलते कुलपति को कार्यकाल के अंतिम 3 महीनों में नीतिगत निर्णय लेने और नियुक्तियां करने से रोका जाता है, लेकिन हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति थानवी द्वारा हाल ही में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परंपरा के विपरीत कार्य है, जिसके बाद अब राज्यपाल ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और बिना किसी विवाद के संपन्न करवाने के लिए इस पर रोक लगा दी है। और भरत, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, जानना चाहेंगे आपसे कि मामला क्या कुछ पूरा है और आखिरकार क्यों राज्यपाल ने जो शिक्षकों की नियुक्ति है उस पर अभी तक विचार नहीं किया है। देखिए, हरदेव जोशी पत्रकारिता इंस्टीट्यूट में अभी कुछ दिनों पहले शिक्षकों की भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके लिए आवेदन भी हो चुके हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर भाजपा विधायक हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा था और उस भर्ती पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुलपति ओम थानवी अभी मार्च में रिटायर्ड होने वाले हैं और उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से 3 महीने पहले इस तरह की भर्ती निकालने से उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया पर गड़बड़ी की आशंका जताई थी, क्योंकि रिटायरमेंट में समय नहीं बचा है और हो सकता है कि जाते जाते उसमें कुछ गड़बड़ियां की जा सकती है। इसलिए उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा था और कहा था कि कुलपति को ऐसे रिटायरमेंट में 3 महीने बचे हों तो उन्हें नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके बाद वासुदेव देवनानी ने जब राज्यपाल को पत्र लिखा और राज्यपाल ने भी उस पत्र पर विचार किया और इस तरह की जो हरदेव जोशी पत्रकारिता इंस्टीट्यूट में जो भर्ती की जा रही थी उस पर तत्काल प्रभाव से उन्होंने रोक लगा दी। और इसके साथ ही हरदेव जोशी ही पत्रकारिता इंस्टीट्यूट में ही रोक नहीं लगाई, इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में अगर उनके रिटायरमेंट में 3 महीने का समय शेष हो तो ऐसी कोई भी भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर पूरी नहीं की जाए, या इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया ही नहीं, इसके साथ ही अन्य कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की बात हो तो वो उस पर निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो तत्काल प्रभाव से सभी कुलपतियों के निर्देश राज्यपाल की ओर से दे दिए गए हैं। और अब हरदेव जोशी पत्रकारिता इंस्टीट्यूट के कुलपति हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को रोक रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विवाद हो, अगर राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं तो हम इस प्रकार की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी जी भरत, क्योंकि अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है पढ़ाई भी इससे प्रभावित होगी। क्या कुछ अब लगता है कि आगे इस पूरे मामले पर होने वाला है, कब तक जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति हो सकेगी, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अब 8 मार्च तक तो ये भर्ती प्रक्रिया होगी नहीं, क्योंकि 8 मार्च को जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद नए कुलपति की नियुक्ति होगी और उनका लंबा कार्यकाल उनका रहेगा, तो उस दौरान ये भर्ती प्रक्रिया वापस से शुरू हो सकेगी। उन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया है वो रोक लगाई है इनके रिटायरमेंट तक, भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन ले चुके हैं, उसके बाद में उनके लिए एग्जाम होगी या इंटरव्यू से वो भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसको लेकर बाद में निर्णय होगा। लेकिन 8 मार्च तक फिलहाल ये भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर नहीं हो पाएगी, उसके बाद में जब नए कुलपति वहाँ पर आएंगे उसके बाद में ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी और विश्वविद्यालय को शिक्षक मिल सकेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद भरत तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो 8 मार्च तक का जो है इंतजार और करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो शिक्षक है उनकी नियुक्तियां होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर के